आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल फैब्रिक से ये अनारकली सूट बनाना सिखाऊंगी और इसमें मैंने लेस से ना नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाया है और आप वो किस तरीके से बना सकते हैं प्रॉपर, वो भी मैं आपको एकदम प्रॉपर वे में सिखाऊंगी। सबसे पहले ना हम कलियों का मेजरमेंट निकाल लेंगे, कितनी कलियाँ हमें बनेंगी। उसके लिए हमें वेस्ट मेजरमेंट चाहिए, जो मेरा इधर 30 है और कलियाँ मैं 12 बना रही हूँ, तो जितना भी आपका वेस्ट मेजरमेंट होगा कलियाँ बनानी है उससे डिवाइड करना है। जैसे मेरा इधर 2.5 इंच आया, अब 2.5 इंच में ना 0.5 इंच ऐड कर देंगे, तो जैसे मेरा आया 3 इंच, तो हम ऊपर से ना 3 इंच की कलियां काटेंगे। अब सबसे पहले ना आपको जितनी भी कलियों की हाइट रखनी है ना, उधर एक स्ट्रेट लाइन बना दें और ऊपर से मैंने ना 0.5 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि ये फोल्डेड फैब्रिक है इसलिए, और नीचे से मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को ना हम मिला देंगे इस तरीके से, और ये देखो कलियों की मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम ना इस तरीके से इसे काट लेंगे और इसी तरीके से ना हम अपनी 12 की 12 कलियाँ काट के रेडी कर लेंगे। ये देखो कली इस तरीके से बनी है, ये देखो ये मैंने 12 कली काट के रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब ना मैंने ये लेस लिया जिससे ना मैं इसमें नीचे की तरफ लगाऊंगी इस लेस को, तो मैं पहले देख रही थी इस लेस को मैं लगाऊं कैसे। ये देखो, तो ऐसे अगर हम सिंपल नीचे नीचे साइड ये लेस लगा देते ना, तो ये मतलब एकदम ही सिंपल सा सूट बन के रेडी हो जाता। तो मैंने सोचा ना इसको ना थोड़ा आड़ा करके लगाया जाए कि जैसे नीचे ना शेप आ जाए। देखो हम इस तरीके से लगाएंगे आड़ी करके, थोड़ा हमें ना ये सारी एक जैसे लगानी है। तो ना पहले देखो एक साइड से मैंने 24 इंचेस पे मार्क किया है और दूसरी साइड से मैंने 34 इंचेस पे मार्क किया है। ये देखो इस तरीके से, अब हम दोनों ये जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया है ना उसके ऊपर हम इस तरीके से लेस लगाएंगे। और अब ना इस लेस को ना हमने ना ये पिन लगा लेना है, जैसे ये अपनी जगह से ना हिले पूरे में हम पिन लगा के पहले से सिक्योर कर देंगे। अब ना मैंने ये फैब्रिक वाली जो ये टेप आती है ना जिससे फैब्रिक चिपकता है वो लिया, तो हम ना उसे इस तरीके से ना अंदर की तरफ लगाएंगे इस टेप को। ये फैब्रिक टेप लगा के ना हम इसको इस तरीके से बंद करके ना इसके ऊपर फिर से पिन लगा देंगे दोनों साइड पे। अब ना इसके ऊपर हम आयरन कर देंगे कि जिससे ना हमारी ये जो टेप है ना वो चिपक जाए फ्रंट से भी और बैक से भी। फ्रंट साइड पर भी हम आयरन करेंगे और बैक साइड पर भी आयरन करेंगे। ये देखो ये जो हमारी लेस है वो दोनों साइड से चिपक चुकी है, और ऐसे ही ना हम सारी कलियाँ बना के रेडी कर लेंगे। ये देखो मैंने इस तरीके से सारी कलियों में ना पूरा ये लेस चिपका लिया है वैसे ही आयरन करके। ये देखो 6 कलियाँ बनाई थी मैंने, तो ये इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बन जाएगा बन के पूरा। ये जो हमारी अनारकली सूट की कलियाँ काट के मैंने नीचे की तरफ ये लेस बना के रेडी किया है, इनको जोड़ने के लिए ना देखो पहले हम एक के साथ एक इस तरीके से मिलाएंगे। अब एक को हम इसके ऊपर रख के ना जो हमारी लेस है ना उसको उसके अगल बगल में ना पहले पिन लगा लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे, और इसमें सिलाई कैसे लगानी है वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। ये देखो पहले ना मैंने ये लेस के अगल बगल में ना दोनों साइड पिन लगा लिया। अब हमें सिलाई भी वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ जहाँ पे हमने लेस लगाई है ना उधर से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है, कि जैसे जो हमारी लेस है का डिज़ाइन है ना वो अच्छे से फिनिशिंग से बने एकदम। ये देखो मैं सिलाई लगा के ना आपको एक बार इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो एकदम हमारा फिनिशिंग से बन के आया है ये फ्रंट से भी, और इसी तरीके से ना देखो मैंने ये सारी कलियों को ना जोड़ के रेडी कर लिया है। ये देखो इस तरीके से मैंने पूरी कलियों को रेडी कर लिया है, और फ्रंट साइड पे हमारी 6 कलियाँ आएंगी और बैक साइड पे 6 कलियाँ आएंगी। तो हमें ना ये देखो अब हमें ना साइड में सिलाई लगा के अपनी जो सारी कलियाँ हैं ना उनको जोड़ लेना है। ये देखो मैंने पूरी अपनी कलियाँ जोड़ लिया। अब इसके नीचे ना मैंने ये छोटी सी लेस लगाई है थोड़ा ना फिनिशिंग के लिए, नीचे से भी अच्छा लगे हमारा ये लुक। तो ये हम लेस कैसे लगाएंगे देखो, ये ना बैक साइड से लगा रही हूँ लेस, और एकदम कोने में रख के ना हमें इसमें सीधी सिलाई लगानी है। इस तरीके से अगर आप लेस लगाएंगे ना तो ना ये जो सूट है ना वो ना फिनिशिंग से बनेगा नीचे से भी। ये देखो मैं पूरा आपको पहले आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो मैंने पूरे गुलाई में ये लेस लगा ली है। अब एंड में आके ना हमें एक्स्ट्रा जो लेस होगी उसे काट के अलग कर देना है और उसे मोड़ के ना उस पर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखो बैक साइड से मैंने इस तरीके से लेस लगा ली है। अब ना इसे हम फ्रंट की तरफ इस तरीके से पलटेंगे। ये देखो ये फ्रंट साइड है इसका। अब हमें ना इसको इस तरीके से पलटना है और एकदम कोने कोने में पहले सिलाई लगानी है। ये देखो जो ये हमारा बैक साइड है, ये बैक साइड से देखो इस तरीके से फिनिशिंग से बनेगा, और फ्रंट से तो हमारा ये लेस लग के लुक अच्छा आ ही रहा है। ये हमने नीचे साइड से सिलाई लगा ली है, और एक एक सिलाई ना हमें इस तरीके से ही ना ऊपर की तरफ भी लगा देने हैं सिलाई,
और ये हमारा ये लेस लग के भी रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ये देखो लेस लगाना कितना आसान था, अगर इस तरीके से आप भी लगाएंगे ना तो आपका जो लहंगा या फिर जो भी आप बनाते हैं गाउन वगैरह तो फिनिशिंग से बनेगा नीचे से। ये देखो इस तरीके से लेस लग गई है और अंदर की तरफ से देखो कितना फिनिशिंग से लगा है हमारा लेस। ये देखो मैं एक बार और आपको दिखाती हूँ, ये लेस लग के हमारा ये देखो इस तरीके से लुक आ रहा है पूरे लहंगे का या फिर आप अनारकली का नीचे की साइड से इस तरीके से है ये। अब ना हम इस अनारकली के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके लिए ना मैंने ये फोर फोल्ड फैब्रिक ले लिया है जिसकी हाइट मैंने लिया है ये देखो 15 इंच। अब इसका हम ऊपर से शोल्डर लेंगे, शोल्डर नॉर्मली 7 ही रहता है और जितना शोल्डर रहता है उतना ही हम आर्म होल लेते हैं। तो नीचे की साइड में मैंने ये 7 इंचेस पे मार्क किया और एक इधर मैंने एक लाइन बना ली है। अब इधर हम अपना बस मेजरमेंट डालेंगे, जैसे इधर मैं 9 इंचेस डाल रही हूँ और 9 इंचेस में ना प्लस 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। अब इसके इधर नीचे साइड हम अपने कमर का मेजरमेंट लिखेंगे लगाएंगे, जैसे इधर मेरा ना है 7 इंचेस, उसमें 1 इंचेस हम प्लेट्स के लिए डालेंगे और 2 इंचेस हम अपना मार्जिन रखेंगे। ये देखो अब ये दोनों जो लाइन है ना इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे और इधर ना हम अपनी आर्म होल की गोलाई दे देंगे 1 इंच की इस तरीके से। और अब हम अपना फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे जो हमारी आधा इंच जो अंदर की तरफ बनता है ना इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे। ये हमारे अपर पार्ट की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और जो हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगाया था ना उस पर भी हम कटिंग कर लेंगे। अपर फ्रंट और बैक की तो हमारी कटिंग हो गई है, अब ना हम फ्रंट नेक की कटिंग कर रहे हैं। ये देखो जो मैंने बुकरम लिया है उसे पे ना 3 इंचेस पे इस तरीके से मार्क किया है मैंने। ये मैंने नेक की हाइट रखी है 7 इंचेस, तो मैंने 7 इंचेस पे मार्क किया और ऐसे मैंने एक लाइन बना ली क्योंकि ये मैं वी नेक बना रही हूँ ना तो इसको बनाना एकदम सिंपल है। जिस तरीके से मैंने इधर मार्किंग की है ना आप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है मार्जिन के लिए। अब जहाँ पर हमने मार्किंग करी है ना उधर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी नेक की कटिंग तो पूरी हो गई है, अब देखो हमें एक फैब्रिक लेना है उसके ऊपर जो हमने ये नेक बनाया है ना बुकरम पे उसको रख के उसकी जो साइड्स है ना हम फोल्ड कर देंगे। इसके साथ ही साथ ना मैं ये बैक नेक की भी कटिंग कर रही हूँ, उसके लिए भी ना मैंने ये बुकरम ले लिया है जो डबल फोल्ड मैंने रखा हुआ है पहले से। अब ऊपर से हमने ये 3 इंचेस पे मार्क करना है और नीचे की तरफ ना हम जितनी भी आपको हाइट रखनी है ना उतनी रखेंगे नेक की। मैंने इधर 9 इंचेस का नेक बनाया है और इधर से हम 5 इंचेस पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद ना देखो हमें एक साइड से ना बस इसमें गोलाई दे देनी है क्योंकि मैं पीछे वाला नेक राउंड नेक बना रही हूँ। तो देखो इस तरीके से हम पूरी मार्किंग कर लेंगे और इसके भी साथ ना हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की है ना वहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे इस बैक नेक की भी। ये बैक नेक की मैंने ये बुकरम पे कटिंग कर ली है, अब इस पे को भी हम फैब्रिक में लगा के इसकी ना साइड्स फोल्ड कर लेंगे। देखो इसी तरीके से ना मैंने फ्रंट और बैक नेक बुकरम पे काट के रेडी कर लिया और उसमें फैब्रिक भी जोड़ लिया साइड साइड में ना, बस मैंने फैब्रिक मोड़ के सिलाई कर दी। ये नेक लगाने के लिए ना पहले सेंटर पे ना हम इस तरीके से निशान बना लेंगे अपर पार्ट में। ये देखो मैंने सेंटर में निशान बना लिया। अब ये जो मेरा नेक मैंने बना के रेडी किया है ना उसको भी इस तरीके से हम एकदम सेंटर पे रखेंगे और इधर ना हम 2-3 पिन लगा देंगे जैसे ना कि ये जो हमारा नेक है वो अपनी जगह से ना हिले, और फिर उसके साइड साइड में हम सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से ना जो हमारा ये बैक पार्ट है ना उसमें भी हम अपना ये जो बैक नेक है उसे लगाएंगे बीच में। बैक पार्ट पे ना हम डोरी अटैच कर रहे हैं, तो ये देखो मैंने ये डोरी बना के रेडी कर ली थी पहले ही। अब इसे ना हमें इसमें अंदर की तरफ इस तरीके से लगाना है और इधर हम पिन से इसे सिक्योर कर देंगे कि जैसे ही अपनी जगह से ना हिले, और फिर इसमें हम सिलाई कर देंगे। ये डोरी जोड़ने के लिए ये देखो मैंने पिन लगा लिया जिससे ये डोरी अपनी जगह से ना हिले। अब ना एकदम साइड साइड में ना इस तरीके से बुकरम में ना मैं पूरे नेक पे हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से ना जो हमने फ्रंट नेक बना के भी रेडी किया था ना उसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने नेक पे सिलाई लगा ली है, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना अंदर की तरफ का उसे ना हम काट के इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब पूरे गले पे ना हमें इस तरीके से कट लगाना है जिससे ना जो हम नेक अंदर की तरफ मोड़े ना तो एकदम फिनिशिंग से बाहर आए। इसी तरीके से जैसे मेरा फ्रंट नेक है उसका भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे काट के अलग कर लेंगे।
और पूरे गले पे उसी तरीके से हम कट भी लगा लेंगे। अब जो हमने नेक पे इस तरीके से बुकरम जोड़ा था ना, उस बुकरम की साइड भी ना हम सिलाई लगाएंगे, एकदम कोने कोने पे हमने सिलाई लगानी है। ये पूरे नेक में सिलाई लगाने के बाद ना हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ेंगे ना, तो हमारा ये जो नेक है ना, देखो कितना प्यारा बन के आएगा। तो इसी तरीके से हम फ्रंट नेक पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी है। अब ना हम फ्रंट और बैक नेक पे ना शोल्डर अटैच करेंगे। ये मैंने इसके शोल्डर तो अटैच कर लिए हैं, अब इसमें ना मैं स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ, तो जो इसके आर्म होल है ना, इस इधर हमें ये एक फैब्रिक की स्ट्रिप जोड़नी है और उसको अंदर की तरफ मोड़ देना है इसको। ये देखो, एक हम मैंने सीधी स्ट्रिप एक जोड़ी है, उसमें एकदम कोने कोने पे इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले एक सिलाई लगाने के बाद ये देखो, ये जो फैब्रिक है हमें इससे बाहर की तरफ पलटना है और उसके ऊपर हमें एकदम कोने कोने पे एक और सिलाई लगा लेनी है। ये सीधी सिलाई लगाने के बाद ना इस तरीके से ना हमें फैब्रिक अंदर की तरफ मोड़ के इसमें सिलाई लगा देंगे या फिर कच्चा कर लेंगे। ये मैंने आर्म होल को मोड़ के उसमें भी सिलाई कर लिया है, ये देखो। अब इसमें ना फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब इधर आपका जितना भी बस्ट मेजरमेंट है उतना लगा देना है। जैसे इधर मैंने 8.5 इंच पे लगाया निशान, और नीचे कमर का मेजरमेंट जो मैंने 7.5 इंच लगाया, और इसकी हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसके ऊपर हम सीधी सीधी सिलाई कर लेंगे बस। ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ना ये देखो, हम हमारा अपर पार्ट बन के भी रेडी है। और जो हमारा ये कलियों वाला हमने इसके साथ ये स्कर्ट बनाई थी, उसको भी हमने बना के रेडी करी रखी है। अब इन दोनों को ना हमें जोड़ना है। तो ये देखो, मैंने ये जो अपने नीचे की स्कर्ट है उसे ना मैंने उल्टा फोल्ड कर रखा है, और ये जो मेरा ये ऊपर का अपर पार्ट है इसको मैंने सीधा ही रखा है, और इसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ डालेंगे। और कॉर्नर कॉर्नर पर ना हम पहले 2 पिन लगाएंगे और फिर पूरे में हम पिन लगा देंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें सिलाई करेंगे ना, तो सिलाई करने में भी आसानी रहेगी। ये देखो, मैंने ये पूरी गोलाई में ना ये पूरी पिन लगा ली है। अब इसमें है ना हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारा ये अनारकली सूट बन के रेडी है एकदम, वो भी डिज़ाइनर। इसमें नीचे की साइड ना मैंने ये लेस से ही डिज़ाइन बनाया है, ऊपर नीचे करके लेस, तो इससे हमारा ना ये लुक और भी अच्छा आ रहा है। आप भी अपने लिए इस तरीके का सूट बना सकते हैं, कोई सीधी सी लेस यूज़ करके, और इतना प्यारा सूट बना सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।